कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इसमें महाराष्ट्र की 5 और उप्र की 16 सीटें हैं। उप्र के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को मुरादाबाद से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए नाना पटोले को नागपुर से टिकट दिया गया है। कुछ दिन पहले भाजपा से इस्तीफा देने वाली सांसद सावित्री बाई फूले को बहराइच से उम्मीदवार होंगी। वे यहीं से सांसद हैं। प्रिया दत्त इससे पहले 2 बार सांसद रह चुकी हैं। हालांकि 2014 लोकसभा चुनाव में उन्हें पूनम महाजन के सामने हार का सामना करना पड़ा। टिकट के ऐलान से पहले दत्त ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगी, मैं लोकतंत्र को बचाने के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए चुनाव लड़ूंगी। राज बब्बर 3 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। वे उप्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 2014 में राज बब्बर ने गाजियाबाद से चुनाव लड़ा और वे जनरल वीके सिंह से हार गए। मिलिंद देवड़ा 2 बार लोकसभा में सांसद रहे। 2004 में 27 साल की उम्र में वे पहली बार सांसद बने। देवड़ा 2009 से 2014 तक केंद्रीय मंत्री भी रहे। 15 उम्मीदवारों की सूची थी जारी। इससे पहले कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 11 और गुजरात की 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया था। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम भी शामिल था। राहुल अमेठी और सोनिया रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी।